हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी लोग घर पर पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम के आकार की आम परास क्या होती है। ऑप्शन ए 128 KB से 226 KB, ऑप्शन बी 256 MB से 512 MB, ऑप्शन सी 4 GB से 16 GB, ऑप्शन डी 128 GB से 256 GB। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4 GB से 16 GB। ऑफिस में काम करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले लैपटॉप में रैम की रेंज 4 से 16 GB होनी चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4 GB से 16 GB। दोस्तों, अब बारी है आज के प्रश्न संख्या 2 की। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए रैम, क्योंकि जब किसी कंप्यूटर पर कोई क्रमादेश लागू किया जाता है तो वह कंप्यूटर के प्राथमिक मेमोरी रैम में स्थित हो जाता है। कंप्यूटर में रैम मेमोरी का वह स्थान होता है जहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग तथा डाटा स्थायी रूप से वर्तमान में प्रयोग के लिए सुरक्षित रहता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए रैम। थैंक यू दोस्तों।